तो गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं महिंद्रा कंपनी में, देख सकते हो उधर महिंद्रा कंपनी है। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक न्यू वीडियो में। गाइस तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है, कल गाड़ी को पहुंचा चुके हैं। तो आप सबको एक बता दें बात जो कि बहुत ज़रूरी बात है, आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ऑटो चला के जाने वाले हैं क्योंकि मेरा छोटा भाई है, ऑटो चलाता है और पहले भी हम ऑटो चलाते थे। तो शुरुआत से लेकर सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये संतू भी आए हैं, ऑटो में बहुत बड़ा मिस्त्री है, ये भी साथ में चलने वाले हैं। वहाँ पे देखने वाले कि कितना इतना ज़्यादा वहाँ पे पैसा क्यों लग रहा है, तो थोड़ा वहाँ पर बातचीत करेंगे। हमें थोड़ा जानकारी है नहीं, तो बड़े भैया हैं तो उनको थोड़ा जानकारी है। और पोसम भी साथ में जाएगा और भाई भी जाएगा, हम भी जाएगा, सबको मिलकर जा रहे हैं वहाँ पे, देखने वाले हैं क्या क्या होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑटो रिक्शा है, चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। गाइस तो गाड़ी में हो गया सीएनजी खत्म, तो अभी सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप आए हैं। ये देख सकते हो पेट्रोल पंप, तो वहीं पे सीएनजी मिलेगा गाड़ी का। तो भाई क्या लोग भर रहे हैं, अपने बनारस में भी सीएनजी आ चुका है, बहुत एक साल हो गया होगा ना भैया, एक साल से ऊपर हो रहा है। तो बढ़िया लगता है कि अपने बनारस में भी सीएनजी आ गया है। तो इसमें ये सीएनजी ऑटो नहीं था, बट इसमें सीएनजी अलग से लगवाया गया है, पहले ये पेट्रोल वाला ही ऑटो था। भर दीजिए, फुल कर दीजिए, तो ये फुल करवाते हैं क्योंकि बाबतपुर एयरपोर्ट के पास जाना है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर दूर है, तो इसीलिए अब भरवा लेते हैं, सीएनजी फुल करवा रहे हैं। देख सकते हो ये लग गया है पाइप, सीएनजी भरवा चुके हैं, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं सीएनजी भरवाने के बाद। और अच्छा लगता है कि बनारस में भी सीएनजी आ चुका है, क्योंकि पहले ये पेट्रोल वाला ऑटो था, अब इसमें सीएनजी किट लगवाया गया है अलग से, तो लगभग 30-35 हज़ार रुपये का समथिंग खर्चा आ जाता है इसमें भी। उसके बाद तो फिर माइलेज ही माइलेज, आप सोच सकते हो कितना माइलेज देता है सीएनजी में। तो अभी रथ यात्रा चौराहे के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो ये देख सकते हो इधर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। ठीक है, तो हम लोग कचहरी पहुंच चुके हैं और छोटा वाला भाई अभी गाड़ी चला रहा है मेरा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था और संतू भाई इधर बैठ के बस मस्ती कर रहे हैं और टेंशन में भी है कि जा रहे हैं कंपनी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे सब कोई टेंशन में है, घर वाले भी सब टेंशन में, हम लोग सब कुछ टेंशन में है इस टाइम। आप सोच सकते हो कि न्यू गाड़ी था और न्यू गाड़ी 4-5 महीने चलाने के बाद ऐसा दुर्घटना घट सकता है, किसी के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब घट गया तो उसको झेलना ही है, झेलने के लिए चाहिए पैसा। सबसे बड़ी बात है पैसे का दिक्कत बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे का दिक्कत आ रहा है। तो अभी हम लोग कचहरी पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली पहुँच चुके हैं महिंद्रा कंपनी में, देख सकते हो उधर महिंद्रा कंपनी है। तो अभी अंदर क्या क्या बातें होंगे पूरा आप सबको बताने वाले हैं, क्या क्या बात वहाँ पर होता है, तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए आप लोग को वहाँ पर क्या क्या होगा आने के बाद आप सबसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक देख सकते हो महिंद्रा कंपनी पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मेरा जो काम है कंप्लीट करवा चुके हैं, फाइल अगर भरना था फाइल अगर भरा गया, और 15,000 रुपये अभी एडवांस जमा किए हैं, क्योंकि काम स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा नहीं देंगे तो ये सब काम जल्दी स्टार्ट भी नहीं करते हैं, तो इसलिए वो बोला मैनेजर कि भैया पहले आप कुछ पैसा जमा कर दीजिए। तो पैसा 15,000 रुपया कर्जा लेके आए थे, सुबह 5% पे कर्जा लिए हैं 15,000 रुपया एक लोग से, तो अभी वो पैसा यहाँ जमा कर चुके हैं, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। जो सर्वेयर होते हैं वो आ चुके हैं, गाड़ी का फ़ोटो वगैरह सब खिंचा चुका है गाड़ी का फ़ोटो, तो अब बोले हैं कि 1-2 दिन के अंदर काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि और कुछ सामान भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ सामान है, कमानी अगर आया कि पूरा सेट आता है वो इसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बाद काम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उनको बोले भैया को कि भैया थोड़ा जल्दी से मिल, मतलब कितना दिन में गाड़ी मिल जाएगा, भैया बोले कि ज़्यादा जल्दी जल्दी आपका काम करवा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम ही है, बॉडी डेंट पेंट होगा, बदलने लायक बॉडी नहीं है, और थोड़ा बहुत नीचे का जो कमानी अगर आया और चेचिस अगर आया ये सब सीधा करने में जो भी टाइम लगे, तो सामान में आने में टाइम लगेगा और बाकी जो काम है यहाँ पे हो जाएगा। और गाड़ी का जो पेंट है उसका 60% हमको अपनी जेब से देना है पैसा, मतलब पेंट का कोई क्लेम नहीं होता है, पेंट में पैसा पूरा लगता है, 60% पूरा हमको देना पड़ेगा। तो आई होप आपसे वीडियो एंजॉय किए होंगे और पूरा आपसे डिटेल शेयर भी कर दिए कि क्या क्या हुआ है, आई होप आपसे वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल पर नया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा ही टाइप का वीडियो लेके आता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा वीडियो आप सबके लिए बनाता रहूँ। तो संतू भैया लोग आज सबको हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फिर ऑटो बगल में खड़ा है, ऑटो से ही आए हैं,
पहले भी आप सबको पता नहीं होगा, पहले भी मैं ऑटो चलाता था, तो अब भले पिकअप ले लिया हूँ तो मुझे लगता है कि अब फिर से ऑटो चलाना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन मेरा नुकसान हो जाएगा, 15 दिन तो मैं ऑटो ही चलाऊँगा। और ऑटो से रिलेटेड आप सबको वीडियो मिलेगा ब्लॉगिंग में, तो ऑटो चला रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ऑटो से, वो सब पूरा आपको वीडियो ब्लॉगिंग अभी कंटिन्यू मिलता रहेगा 15 दिन तक। जब गाड़ी यहाँ से डिलीवरी लेने के लिए आएंगे उस टाइम भी आपसे मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज़।